हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई अन्ना कैरेनिना की स्टोरी लेके आया हूँ। रशियन लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। आई होप ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। सबसे पहले हम इसके मेजर करेक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है एना। एना कैरेनिन की वाइफ है, एक यंग लेडीज है जिसकी लवलेस मैरिज है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा सेक्सी है और पैशनेट है। सभी आदमी इसको चाहते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि सर, इसके जो हस्बैंड है वो इसको नहीं चाहते हैं। इसके हस्बैंड जो है वो ये अपने हस्बैंड को वरोनस्की के लिए छोड़ देती है और उसके साथ सिन में रहती है, पाप में रहती है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है। बाद में ये मॉर्फिन एडिक्ट हो जाती है, जिसके कारण ये ट्रेन के नीचे आकर मर जाती है। तो अब हम देखते हैं इसका मेजर करेक्टर है एना। इसके बाद सेकंड करेक्टर जिनका नाम है कैरेनिन। कैरेनिन एना के हस्बैंड है और उससे 20 साल एज में बड़ा है। वो एना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। कोल्ड मतलब इसमें कोई लव फीलिंग, 20 साल बड़ा कोई लव फीलिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा सरकास्टिक है, ताने मारता है, स्नीरिंग है, और ये सारा दिन काम करता रहता है। ये जब अन्ना इसको छोड़ के जाती है तो कहती है कि मैं अपने बच्चे को साथ लेके जाऊंगी, तो ये अन्ना को बच्चा साथ लेके जाने नहीं देता है। तीसरे इंपॉर्टेंट करेक्टर है किटी। किटी एक बहुत ही प्रेटी, बहुत ही प्यारी, सेंसिटिव, स्वीट लड़की है, जो कि लेविन को प्यार करती है, फिर रोनस्की को प्यार करती है, और फिर वापस लेनिन को प्यार करती है, और लेविन से ही इसकी शादी हो जाती है। किटी शादी हो जाती है लेविन से, और इसके बाद इन दोनों का एक छोटा सा प्यारा सा बेबी हो जाता है, और ये लास्ट में एक अच्छी कंट्री वाइफ की तरह रहती है। और फोर्थ और मेजर करेक्टर है लेविन। लेविन एक 30 साल का लैंड ओनर है, जिसको कि जो कि क्या है, गांव की लाइफ और एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, और ये हर एक से इन्हीं बातों पे बात करता है, जिससे लोग बोर होकर रोने लग जाते हैं। ये किटी से शादी करता, इसका मूड शिफ्ट होता रहता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ज्वेलसी की भावना है। कुछ और इंपॉर्टेंट करेक्टर में हम देखते हैं, एक है डोली। डोली किटी की छोटी बहन है, जो कि ओब्लोनस्की से शादीशुदा है। अब ओब्लोनस्की का क्या रिलेशन है कि ओब्लोनस्की लेविन का फ्रेंड है। तो सर, इसके 6 बच्चे हैं, फिर भी ये ओब्लोनस्की के साथ रहती है, और हालांकि ओब्लोनस्की इसको बार बार चीट करता रहता है। ओब्लोनस्की जो है ये लेविन का फ्रेंड है और एक चीटिंग हस्बैंड है। निकोलोई इसका भाई है, निकलोई इसका भाई है, जो कि जल्दी ही मर जाता है। सेरियोजा जो है ये एना और कैरेनिन का बेटा है, 6 से 8 साल की उम्र है, माँ को बहुत प्यार करता है। वरोनस्की कभी किटी का सूटर था, बाद में ये एना को प्यार करने लग जाता है, एक आर्मी पर्सन है, सब कुछ एना के लिए छोड़ देता है। वैसे ऊपर से तो बड़ा कोल्ड दिखता है, बड़ा प्राउड दिखता है, लेकिन ये लविंग और पैशनेट है। वरेनिका किटी की एक पूरा दोस्त है, जो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। काउंटेस इवानोवा बहुत ही धार्मिक महिला है, जो कि कैरेनिन को बहुत प्यार करती हैं। जब एना छोड़ के जाती है तो उनके साथ ही शिफ्ट हो जाती हैं। अब हम ये जो चैप्टर है, ये 8 पार्ट्स में, ये जो नोवेल है 8 पार्ट्स में लिखा, और बहुत लेंथी नोवेल है। लगभग अगर आप इसकी ट्रांसलेशन को देखें तो लगभग 1000 पेज का नोवेल है ये। और जो इसके क्रिटिक थे और खुद जो लियो टॉलस्टॉय ने कहा था कि ये फर्स्ट ट्रू नोवेल है। इस नोवेल की जो पहली लाइन है, जिसका नेट में क्वेश्चन नहीं आया था, हैप्पी फैमिली आर ऑल अलाइक वेरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे, कि सब खुशी फैमिली तो खुश फैमिली सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन जो दुखी फैमिली होती है ना, उसका दुख का तरीका अपना अपना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सर, और आप इसको याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आते हैं तो सर ऐसे फर्स्ट लाइन के क्वेश्चन और लास्ट लाइन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये नॉवल जो है वो डोली के साथ स्टार्ट होता है। अब आपको पता है डोली के जो हस्बैंड हैं, जिनका नाम है स्टीवा, इनका एक अफेयर चल रहा है, तो इनको चुप कराने के लिए वहाँ पे एना कैरेनिना आती हैं, और वो उसे कहती है कि डोली कोई बात नहीं, जैसा भी है, मेरा पति मेरा भगवान है, तेरा पति तेरा भगवान है, तो तू क्या कर, तू स्टीवा के पास ही रह, ठीक है। तभी किटी जो क्योंकि डोली तो किटी की बहन है, अब किटी जो होता है वो उसको कॉन्स्टेंटिन लेविन जो है वो प्रपोज करते हैं।
अब किटी को प्रपोज करने वाला लेविन है, लेकिन किटी उसको मना कर देती है। वो कहती है कि भैया मेरा अफेयर तो काउंट व्रोन्स्की के साथ चल रहा है। काउंट व्रोन्स्की को किटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो ऐना में मिलते हैं तो वो ऐना से प्यार करने लग जाते हैं, और उसको वो प्यार करते हैं, उसको प्रपोज करते हैं, हालांकि ऑलरेडी मैरिड है लेडीज। एट द बेल वो दोनों जब बॉल में जाते हैं तो वो दोनों जने एक दूसरे को इतनी ज्यादा टेंशन देते हैं, किटी समझ जाती है कि भाई मेरा नंबर तो कभी नहीं आएगा। एना एना जो है वापस सेंट पीटर्सबर्ग से आई थी, वो वापस वहीं चली जाती है, और काउंट ओरोनस की जो है वो उसके पीछे पीछे वहां जाते हैं। लेडी कॉन्स्टेंटीन है जो वो अपने उसके स्टेट में चली जाती हैं, क्योंकि उनका दिल टूट जाता है। कॉन्स्टेंट सॉरी यहाँ पे कॉन्स्टेंटिन लेविन है, लेविन अपने स्टेट में चला जाता है। तो स्टोरी हमारे सामने कुछ इस तरह से फर्स्ट एक्ट में क्लियर होती है कि सब के सब करेक्टर जो है इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्टेड करेक्टर होने के कारण ये नॉवल बड़ा लेंथी पड़ गया है। पार्ट सेकंड में क्या होता है कि क्योंकि वर्नस की तो पसंद करने लग गया एना को, इन दोनों का तो भैया अफेयर हो जाता है, इनका तो अफेयर हो जाता है, और किटी बीमार हो जाती है। किटी वापस जब आती है तो कहती ठीक है जी, अब एना और उनकी दोनों के बीच में जो है वो सेक्सुअल रिलेशन हो जाते हैं। तो इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वाइफ बनूँ मिस्ट्रेस बनूँ। इधर एना का जो है इससे इनका अफेयर भी होता है, तो फिर बाद में इनसे इनका एक छोटा सा प्यारा सा बेबी भी होता है, एक बॉय होता है। अब वो अपने हस्बैंड कैरन इनको सारी बात बता देती है। अब लेविन जो कि जिंदगी में किट्टी के बिना रहने की आदत डालता है, और लेविन का भाई जो है वो बुरी तरह बीमारी से मर जाता है। एना जो है एना तो प्रेग्नेंट है, लेकिन काउंट रनस की जो है वो उसे जाने नहीं देता। वो कहता है कि भैया, वो कहता है दो चीजें हैं, या तो मैं तेरे को प्यार करूं या अपना कैरियर चुनूं। एना कहती भी मैं अब तेरे साथ नहीं रहती तो कहाँ जाऊं, कि उसको पता नहीं मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि वो वर्णस्की के पास तो जा नहीं सकती है, वर्णस्काई के पास जा नहीं सकती है। अब लेविन और किट्टी दोनों की आपस में सेटिंग बैठ जाती है, दोनों इंगेज हो जाते हैं। कैरिन पूरी कोशिश करता है कि जब भी समाज के सामने जाए तो दिखाए कि मेरी हैप्पी मैरिज है, क्योंकि वो प्रेस्टीज की बात है ना, बड़ा फर्म पर्सन है। अब उसके बाद में वो एक डाइवोर्स लायर को हायर करता है। एना बीमार हो जाती है, और जब वो अपने डेथ बेड पर कैरिन उसको कह देता है कि मैंने तेरे को माफ किया, और तूने जाना है तो वरणस्की के साथ चला जाऊं। एना कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि वरुणस की खुद उसको तलाक दे रहा है, इसलिए उसको उसका बेटा नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहती है मैं तलाक नहीं लूंगी। वरुणस की को शर्म आती है, वो इसलिए वो क्या करता है, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है चलो हम साथ साथ जाते हैं। अब कैटी और लेविन जिनके पहले प्यार होते हैं, उनकी शादी हो जाती है। एना और वरुणस की जो है इटली से आते हैं। अब जब वो अपने बेटे को दोबारा देखती है तो अन्ना को पसंद पता चलता है कि मैं कितनी अकेली हूं। तो वो कहती है कि चलो, वरुणस की से कहती है मेरे से शादी कर ले। थिएटर में जाते हैं, लेकिन लोग अन्ना की बड़ी बुराइयां करते हैं। एक मैरिड लेडी किसी और के साथ रहती है, वरुणस की गुस्सा आता है कि वो मेरी बात नहीं सुनती है। तो वो कहती है कि तू मेरी पोजीशन ही समझ रहा है। पर वो जब वो गांव जाते हैं तो वहां भी लेकिन रिलेशनशिप तो खराब हो जाती है। अब डोली जो है वो एना के पास आती है। वो उसको पता चलता है कि एना की लाइफ तो ना मेरी लाइफ से बड़ी बेकार है। एना कहती है कि भैया वरुणस की अब मेरे को पहले वाला प्यार नहीं करता। तो भी वरुणस की कहती है कि भैया मेरे को एना जो है ना बहुत ज्यादा इंटेंस लव करती है, मैं इससे बड़ा दबा फील करता हूँ। जब एना उसे कहती है कि भाई तू एक बार क्या होता है कि वो कहीं पॉलिटिकल मीटिंग में जाता है, एना कहती जल्दी आ जाना। अब वो जब पार्ट सेकंड में से पता चलता है कि यार अब इतने ज्यादा अब हमारा अफेयर ज्यादा नहीं चलेगा, तो वो सुसाइड कर लेती है। काउंट ओरोनस की रशियन मिलिट्री में चले जाते हैं। लेविन को पता चला जाता है। अब वो है होपफुली पीसफुली फील करता, नावल एंड होता है, और इसकी लास्ट एपिग्राफ भी बहुत फेमस है, वेनिगेंस इज माइन आई विल रिपे। सो आई होप फ्रेंड्स, मैंने एक पूरी कोशिश की आपको वीडियो समझ में। अगर आपको मेरा प्रयास में ईमानदारी लगी हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़
कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड।